हेलो गाइस, ये शायद मेरी यूट्यूब का चैनल का शायद पहला वीडियो होगा, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने का सोचा है। पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है टेम्परेचर एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली बहुत ही कनेक्टेड चीज़ें हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड में, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। टेम्परेचर बेसिकली, जैसे कि आप सभी ने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बेसिकली ये सभी पढ़ते हैं बट इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक ऐसा कुछ एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते। अपनी फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस के बेस पे आप क्वालिटेटिवली शायद आप एक्सप्लेन कर पाओ कि चीज़ें कोल्ड हैं, चीज़ें हॉट हैं, चीज़ें वेरी हॉट हैं, मगर आप एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते। बेसिकली आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू उस चीज़ को असाइन नहीं कर सकते। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अपनी सेंसेस पे अगर आप जाएंगे तो शायद वो गलत रीडिंग हो सकती है, शायद वो मिसलीडिंग हो सकती है अगर आप डायरेक्टली उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो। तो अगर हम एग्जांपल लें एक मेटल चेयर का, एक मेटल चेयर और एक वुडन चेयर, तो ये दो चेयर्स अगर सेम एनवायरनमेंट में रखी जाएंगी तो अ मेटल चेयर विल फील मच कोल्डर। ध्यान से सुनिएगा, अ मेटल चेयर विल फील मच कोल्डर देन ए वुडन चेयर इवन वेन बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। सो अच्छी बात यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की जो टेम्परेचर के साथ, जैसे कि अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एक रेपिटेबल और प्रेडिक्टेबल वे में चेंज होती रहती हैं, यानी कि घटती और बढ़ती रहती हैं। इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज जो है रेपिटेबल और प्रेडिक्टेबल वे में चेंज होती रहती हैं, और यही शायद एक बेसिक बनता है टेम्परेचर मेजरमेंट का। टेम्परेचर मेजरमेंट का अगर हम बात करें थर्मामीटर की, जनरली थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं विच इज मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, सो फॉर दिस थिंग द टेम्परेचर इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मर्करी विद टेम्परेचर। कैसे मर्करी अपने आप को एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर चेंज के साथ, इस बेसिस को लेते हुए हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, लाइक कई चीजें हैं जिसके बेसिस पे टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे कॉमन एक्सपीरियंस क्या कहता है, दैट ए कप ऑफ हॉट कॉफी लेफ्ट ऑन अ टेबल इवेंचुअली कूल्स ऑफ एंड ए कोल्ड ड्रिंक इवेंचुअली वार्म्स अप। अगर एक कॉफी है, अगर आप कॉफी लेते हैं तो वो इवेंचुअली ठंडी ही होती है, एक कोल्ड ड्रिंक अगर आप नॉर्मल बाहर निकाल कर देंगे तो गर्म ही होगी। तो मतलब क्या है इसका कि मैंने बॉडी इज ब्रॉट इनटू अ कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। सपोज दो बॉडीज हैं, ये बॉडी T1 है एंड ये बॉडी T2 है, और सपोज करते हैं कि ये बॉडी T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है। सो व्हेन टू बॉडीज आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट द बॉडी एट हायर द हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यानी कि अगर बॉडी T1 एक हायर टेम्परेचर पे है तो बींग एट हायर टेम्परेचर ये हीट लूज करेगी, और T2 बींग एट लोअर टेम्परेचर ये हीट गेन करेगी। सो ये अब सवाल ये आता है कि हीट ट्रांसफर रुकेगा कब, व्हेन दिस हीट ट्रांसफर विल स्टॉप। सो ये तब तक नहीं होगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, जब तक ये दोनों बॉडी किसी फाइनल टेम्परेचर TF पे नहीं पहुंच जाती, यानी कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर TF नहीं हो जाता, तब तक ही हीट ट्रांसफर होता रहेगा। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने का एकमात्र तरीका है टेम्परेचर इक्वलिटी। यानी कि अगर आपको कहना है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका सिर्फ ये मतलब है कि उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम है। अगला टॉपिक जो है वो है जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ का पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि क्या है स्टेटमेंट एक्चुअली। जीरोथ लॉ स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इंडिविजुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी सी, यानी कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली जीरोथ लॉ कहता है। अब आप सुनेंगे इस स्टेटमेंट को तो ये बहुत ही सिली लगता है,
मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है बिकॉज ये फाउंडेशन है टेम्परेचर मेजरमेंट की। और ये अगर आपको मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप सपोज एक काम करो, आप इस बॉडी सी को एक थर्मोमीटर से रिप्लेस कर दो। थर्मोमीटर से आप रिप्लेस करोगे तो जीरोथ लॉ को अब आप रीस्टेट कर सकते हो। टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन व्हेन दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर ए की रीडिंग जो इस थर्मोमीटर ने ली वो 20 डिग्री सेल्सियस थी, बी की रीडिंग जो सी ने ली वो 20 डिग्री सेल्सियस थी, तो ये प्रूफ होता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही बेसिकली जीरोथ लॉ है और यही एक फाउंडेशन देता है टेम्परेचर मेजरमेंट का। अगर आपको आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है ये जानने का कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर एच फाउलर, जिन्होंने 1931 ऑलमोस्ट हाफ अ डिकेड के बाद जब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ चुकी थी उसके बाद इस लॉ का इजाद हुआ था। और 1931 में जब ये लॉ आई तो लोगों ने सोचा कि ये लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से भी पहले आई है, शायद मेरे हिसाब से शायद इसीलिए इसका नाम जीरो रखा गया, और कोई स्पेशल रीजन मुझे नहीं लगता इसके पीछे। अभी मैं इससे की कंटिन्यूएशन में कई और वीडियो सुनाऊंगा, तो होप आप लोगों को पसंद आया। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सूटेबल आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।